सूरतुल आराफ की आयत नंबर 26, सूरतुल आराफ का तीसरा रुकू, आठवें पारे का दसवां रुकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, कद अनज़लना अलैकुम लिबासा, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक लिबास वो उतारा, युवारी सौआतिकुम, के तुम्हारी शर्म की चीजें छुपाए, व रीशा, और एक वो कि तुम्हारी आराइश हो। यानी एक लिबास तो वो है जिससे बदन छुपाया जाए और सितर किया जाए, और एक लिबास वो है जिससे जीनत हो, और ये भी गर्ज सही है, जायज जीनत के लिए लिबास पहनने में कोई हर्ज नहीं। इस्लाम हमें अच्छा लिबास पहनने की इजाजत देता है, अच्छा खाने की भी इजाजत देता है, अच्छे मकान में रहने की इजाजत भी देता है, अच्छा कारोबार करने की भी इजाजत देता है, अच्छी सवारी की भी इजाजत देता है, लेकिन होना चाहिए हलाल। दुनिया की हिर्स हवस लालच न हो, शरीयत की इंसान पाबंदी करे, अल्लाह की याद से गाफिल न हो, उसके दिल में गुरूर तकब्बुर ऐसी चीजें और दीगर बुराइयां न हो। बल्कि एक हदीस पाक में ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, उसने लिबास बहुत ज्यादा मामूली पहना है, यानी फटा हुआ लिबास है, पुराना लिबास है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या इससे अच्छा लिबास तू नहीं पहन सकता? उसने कहा कि हाँ, इससे अच्छा मैं पहन सकता हूं। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि इंसान पर अल्लाह की नेमत जाहिर हो, यानी अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि जो अल्लाह ने नेमत दी है उसका इंसान इजहार करे शरीयत के दायरे में रहकर। एक मिसाल है सिर्फ समझाने के लिए, बिला तमसील बिला तशबीह। एक वालिद हैं, वो अपने बच्चों को अच्छा लिबास खरीद के देते हैं, लेकिन उसके बच्चे लोगों के सामने या दावत में जब जाते हैं तो वो ख्याल नहीं करते और फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े पहन के जाते हैं। अब मुझे बताइए, लोग जब ये देखेंगे तो क्या ख्याल गुजरेगा? ये ख्याल गुजरेगा कि इनके वालिद ने इनको कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब वो बच्चे अच्छा लिबास पहन के लोगों के सामने जाएंगे तो क्या ख्याल गुजरेगा कि इनके वालिद इनका ख्याल करते हैं और इनके लिए अच्छा लिबास खरीद के देते हैं। बिला तमसील बिला तशबीह, अल्लाह ताला नेमत के इजहार को पसंद फरमाता है। जब बंदा नेमत का इजहार करेगा तो लोग देखकर कहेंगे रब ने इनको बहुत दिया है। तो रब ने जब दिया है तो इसका इजहार हो तो रब पसंद फरमाता है। तो इंसान के पास जब नेमतें मौजूद हैं, फिर भी वो अपनी हालत ऐसी रखे कि लोग समझें कि अल्लाह ताला ने इन्हें कुछ भी नहीं दिया, तो हदीस पाक में इसका जिक्र है। लेकिन बाज मुहदिसीन ने, फुकाह ने और सूफिया ने यह भी लिखा कि दोनों जिहतें हैं। अगर अल्लाह ताला की नेमत के इजहार के लिए वो नेमत का इजहार करे और नियत में इखलास हो, दिखलावा और इतराना और गुरूर तकबुर ना हो, तो सवाब पाएगा। और अगर कोई अच्छा लिबास ना पहने सादगी की वजह से और इस नियत से कि कोई गरीब देखकर उसका दिल छोटा ना हो जाए, तो इस तरह अच्छा लिबास ना पहनने में अगर ये नियत है, सादगी है, आजजी इंकिसारी है या और दीगर पहलू हैं, तो उस पर भी कोई पकड़ नहीं है, कोई गुना नहीं है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। एक अल्लाह के नेक बंदे, वो अपने किसी अकीदतमंद के घर में गए। उस जमाने में रोशनदान बनते थे जो छत में होते थे, गर्मियां होती तो रोशनदान खोल दिए जाते तो उससे हवा आती और आसानी हो जाती, जब सर्दियां होती तो बंद कर दिए जाते, जिस तरह खिड़कियां होती हैं। तो नया नया मकान उन्होंने बनाया था, तो वो अल्लाह के नेक बंदे अपने मुरीद के यहाँ गए। उन्होंने पूछा, आपने ये रोशनदान क्यों बनाया?
के लिए हजरत रोशनदान तो इसलिए बनाया जाता है ना कि हवा आ जाए, तो हवा के लिए बनाया। आपने फरमाया यही तो मैं आपकी इसलाह करना चाहता था, अगर आपकी नीयत ये होती कि मैं रोशनदान इसलिए बना रहा हूं कि इससे मुझे अजान की आवाज साफ आए और मेरे घर में अजान की आवाज वासे आए, तो अजान की आवाज भी आ जाती और हवा भी आ जाती, लेकिन आपको नीयत का सवाब मिल जाता। इसी तरह एक शख्स ने मस्जिद के बाहर ऐसा कील लगाया कि जब कोई सवारी आए और कुछ नमाज पढ़ने जाए तो अपनी सवारी को उस खूंटे से बांध दे। एक दूसरे शख्स ने इस कील को उखाड़ दिया, जब पूछा गया तो फरमाया दोनों को सवाब होगा। तो वो कैसे? एक ने लगाया उसको भी सवाब, जिसने उखाड़ दिया उसको भी सवाब होगा। तो कहा दोनों को बुलाओ। जब दोनों को बुलाया गया और नियत पूछी गई तो लगाने वाले ने कहा कि मैंने इस नियत से लगाया कि यहाँ पर लोग जब नमाज के लिए आते हैं तो जानवर साथ होते हैं, बांधने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो वो मस्जिद के बाहर जानवर को छोड़ देते हैं और नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दिल इनका इसमें मुस्तरिब होता है कि कहीं मेरा जानवर भाग ना जाए। इस परेशानी की वजह से दिल से वो नमाज नहीं पढ़ सकते, उनका दिल नमाज में नहीं लगता, तो मैंने इसलिए लगाया। तो आपने लोगों से कहा कि सवाब मिलेगा? लोगों का बिल्कुल सवाब मिलेगा, वाकई बड़ी अच्छी नीयत है। अब उनसे पूछा कि आपने इसको उखाड़ क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि नाबीना लोग भी आते हैं, तो अगर किसी नाबीना शख्स की ठोकर लग गई तो वो तो जख्मी हो जाएगा, और इसी तरह बाद लोग जल्दी में होते हैं तो वो नीचे देखते नहीं है, तो अगर कोई इस तरफ से आया और उसको ये जल्दी में नजर ना आया तो वो तो जख्मी हो जाएगा, इसलिए मैंने हटा दिया। तो उन्होंने फरमाया बताओ सवाब मिलेगा? लोगों का बिल्कुल सवाब मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयतों की इसलाह फरमाए और हमें हर जायज काम में अच्छी नीयतें करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में है कि कल बरोज कयामत आदमी नेकियों के पहाड़ देखेगा, वो कहेगा मालिक को मौला इतनी नेकियां ये तो मैंने की नहीं है। मसलन समझाने के लिए मिसाल है कि इतनी मस्जिदें बनाई, इतने मदरसे तामीर किए, इतने गरीबों को खाना खिलाया, ये काम किया, इतने कुएं खुदवाए। वो कहेगा मालिक को मौला मैंने इतनी नेकियां तो की नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने नीयत की थी और तेरी नीयत पुख्ता थी, मगर तू कर ना सका, तो हमने इसका सवाब तेरे नाम अमाल में लिख दिया। मसलन किसी मस्जिद से गुजर रहे हो, मस्जिद तामीर हो रही हो, आपने कहा मेरे पास तो 100 रुपए हैं, आपने मस्जिद में 100 रुपए दे दिए और दिल में तमन्ना की कि अल्लाह तू मुझे ऐसी तौफीक दे कि पूरी मस्जिद मैं तामीर करूं, अगर मेरे पास पैसे होते तो पूरी मस्जिद मैं बनाता। अब पैसे तो नहीं है कि बना सकें, लेकिन इस नीयत पर हमारे नामा आमाल में पूरी मस्जिद बनाने का सवाब लिख दिया जाएगा। इसीलिए फरमाया गया कि मोमिन जो जन्नत में जाएगा वो नीयत की वजह से जाएगा, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। भाई आदमी अपने अमल से तो एक मस्जिद बना सकेगा, लेकिन नीयत के जरिए वो हजारों मस्जिदों का सवाब पा सकता है।